बिहार के मोतिहारी जिले में कुत्ते और कुतिया की शादी धूमधाम से की गई। बैंड बाजे के साथ कुत्ते की बारात निकाली गई तो वहीं बारातियों ने जमकर डांस किया। इसके बाद भोज में गांव के करीब 400 लोग शामिल हुए। दोनों की शादी शुक्रवार की रात संपन्न हुई। इस शादी को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। मामला मोतिहारी जिले के मजुरा गाँव का है। कुत्ते और कुतिया की शादी की सारी रस्में हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। कुत्ते के सर पर सेहरा बांधा गया तो कुतिया को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। बारात के लिए बैंड बाजे के साथ साथ डीजे भी बुक किया गया था। धूमधाम से बारात निकाली गई। बारातियों ने जमकर डांस किया। वरमाला के बाद पूरे गांव के लोगों को भोज खिलाया गया। शादी के बाद लोगों ने गिफ्ट भी दिया। आपको बता दें कि कुत्ते का नाम कल्लू है तो वहीं कुतिया का नाम बसंती है। कल्लू के मालिक नरेश सानी और बसंती की मालकिन सविता देवी ने मिलकर ये शादी कराई है। सविता देवी ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को लेकर मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने के बाद दोनों की शादी कराई गई। शादी में 300 से 400 लोग पहुंचे हुए थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की शादी उन लोगों ने पहली बार देखी है। कल्लू और बसंती की शादी को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों के अलावा कुछ दूसरे गांव के लोग भी शामिल हुए थे। इस शादी को कराने वाले पंडित धर्मेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि कुत्ते और कुतिया की शादी सभी को कराना चाहिए। ये भैरव के रूप होते हैं। इस तरह के शादी कराने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। क्या होता शादी होता ये प्रेरणा अपने के कहाँ से मिल लगी शादी करावे के हम कुछ सोचे थे हमको अच्छा हुआ मंशा पूरा हुआ था हम सोचे क्या मंशा था आपकी मंशा था मेरा बच्चों लोग के बच्चों लोग के कुछ हमको अच्छे थे मतलब आपके बच्चे का क्या करना था जो मंशा आपकी पूरी हुई बच्चा लोग के हम जो सोचे से पूरा हो गया अच्छा हम भैरव भैया मानते हैं अच्छा भैरव जी तो हम सोचे इनका शादी करा देते हैं उसके बाद हम अगले साल आमा महुआ का शादी करेंगे तुलसी का शादी करेंगे उसके बाद अपने बच्चों लोग का शादी करेंगे तो पहले हम भैरव भैया से शुरुआत किए हैं तो ये आप लड़की मतलब किस पक्ष से हैं मतलब आप किस पक्ष से हैं लड़का की तरफ से लड़का की तरफ लड़की के तरफ से के जी क्या नाम हुआ आपका पंडित जी मेरा नाम हुआ मन्नू पांडे उर्फ धर्मेंद्र कुमार पांडे अच्छा शादी तो आपने बहुत सारी कराई है बहुत सी शादी कराए हैं लेकिन आज जो है कुत्ता कुतिया की शादी हो रही है हाँ जी कुत्ता कुतिया शादी इससे पहले आप कराए थे हाँ जी इसके पहले भी शादी कराए हुए हैं कहाँ कराए थे रघुनाथपुर में कराए थे हाँ जी और ये कैसी शादी करा रहे हैं हाँ जी दूसरा शादी करा रहे हैं कैसा लगता है आपको शादी अच्छा है शादी अच्छा ये गुणदायक है फलदायक भी है अच्छा ठीक है न जिस समाज में जिस आदमी ये करता है जहाँ कराता है दुख और कष्ट का दूर करने वाला ये समझिए कि जिसको बाल वंश भी नहीं है वो भी कराते हैं जो मांगलिक भी हैं संस्कारिक जो मांगलिक दोष भी है जिसको पत्नी मर जाती हैं वो भी ये कराते हैं इससे क्या क्या और क्या लाभ होता है इससे तो अनेकों लाभ है जिसका कोई गिनती गणना की नहीं किया सकता तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को हाँ करना चाहिए किनको करना चाहिए जिसको शारीरिक कष्ट हो मांगलिक दोष हो वो लोग ये करा सकते हैं ये लोग करा सकते हैं करा सकते हैं आपका क्या नाम हुआ दिनेश ठाकुर अच्छा आप ठाकुर जी हैं जी जी तो आप तो बहुत सारी शादी कराए हैं जी जी तो ये आपका जीवन काल का काम मतलब इस तरह का कैसे शादी है जी पहला है क्या जी पहले हम करा रहे हैं कैसा लग रहा है जी बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है जी और हर शादी में जैसा नेक मिलेगा वैसा नेक भी यहाँ मिल रहा है कोई जी जी अभी तक 1000 रुपया मिल गया बा अच्छा जी कोई कमी नहीं बहुत खुश है जी जी बहुत गांव के भी लोग खुश हैं जी जी बहुत पूरा गांव के लोग भी खुश हैं जी क्या नाम है आपका रमेश कुमार चौधरी अच्छा सर ये आपके गांव में जो शादी हो रही है जी किसकी शादी हो रही है ये मेरे गांव का सिस्टर लगेगी मेरी शादी किसका किया जा रहा है ये कुत्ता और कुतिया का जी शास्त्र के हिसाब से अच्छा तो आपको कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है मैंने कभी देखा नहीं था
मेरे पूर्वजों ने आज तक नहीं बोला था कि कुत्ता और कुतिया का शादी संपन्न हुआ है। आम महुआ का विवाह जो हुआ था वो देख मैंने सुने थे, देखे तो नहीं थे। तुलसी जी का शादी हुआ था ये भी देखे थे, वो अलग की बात है। लेकिन ये कुत्ता कुतिया का जो शादी है ये फर्स्ट बार मैं देख रहा हूँ और मेरे दरवाजे पर ही हो रही है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि बहुत खुश, सारे गांव के लोग खुश हैं, एकदम खुश हैं।